हाय, मेरा नाम निखिल मलिक है और मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ. उम्र 23 वर्ष, हाइट 6.2 फीट और ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. अगर मैं अभी अपनी रिसेंटली उपलब्धि की बात करूँ तो वो होगा ग्लैडरैक्स मेमोरियल मैन हंट, जिसमें कि मैन हंट का फर्स्ट रनर अप रहा और 2015 में भी मैं फर्स्ट रनअप रहा मिस्टर उत्तर प्रदेश का. वैसे अगर मैं पिछले अपने 3 साल की बात करूँ कि फर्स्ट रनअप मैं कैसे चला रहा, तो पिछले 3 साल में जैसे कि सबका सपना होता है कि भैया आप 12th पास करते हैं, आप आगे पढ़ाई करते हैं, बस मैं हमेशा कुछ अलग करना चाहता था. कुछ अलग करने के चक्कर में, जैसे कि हमारे यहाँ के सभी लोग जर्नलिज्म वगैरह के पीछे पड़ जाते हैं, सॉरी इंजीनियरिंग के पीछे पड़ जाते हैं, तो मैं कुछ अलग करने के चक्कर में जर्नलिज्म में आ गया. जर्नलिज्म में आया तो थोड़ी जो ग्लैमर वाली लाइफ होती है ना, वो मेरे को देखने को मिली वहाँ पे कि भैया इससे जुड़ना है. मेरे को थोड़ा मज़ा आने लगा, लोग भी कहने लगे कि भैया आपको मॉडल बनना चाहिए, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इसमें ट्राई किया जाए. वैसे अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. काफ़ी मुश्किल होता है एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा जब ऊपर उठता है तो काफ़ी दिक्कतें आती ही हैं. मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे साथ दिया, भले वो मुझे बैठा है खिलाने का हो या कुछ भी. पिछले 2 साल में मेरे फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और वो शायद जो सपोर्ट है वो दिखता भी है मेरी उपलब्धियों में आजकल. और उपलब्धि भी तो मैंने अभी तक ऐसी कुछ हासिल की नहीं है. सपना है एक्टर बनने का, मॉडल तो बन ही चुका हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आगे तक बढ़ने की, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक मेरे को उपलब्धि मिल नहीं पाई है. मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो वो भी पापा केबल ऑपरेटर हैं, मम्मी हाउस वाइफ है, एक दादी है, एक छोटी बहन है मेरी फैमिली में. एक ऐसा लड़का हूँ मैं जो कि आप उसको लोनर भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर किसी से बोलता नहीं, मैं अपने आप में गुम रहता हूँ. क्योंकि मेरे को पोइट्री लिखना बहुत पसंद है और कहते भी तो हैं कि अगर आप अकेले में रहो तो आप अपने बारे में ज़्यादा जान पाते हो, और जब आप अकेले रहते हो तो आप दूसरों के बारे में भी आसानी से जान सकते हो. क्योंकि जब आप कुछ कर नहीं रहे होते तो आपका माइंड चल रहा होता, आपका माइंड चल रहा होता आपके कान चल रहे होते, आपके कान चल रहे होते तो आप दूसरों की बातें सुनते हो. बस एक सपना है एक्टर बनने का. और बिग बॉस काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ पे. बिग बॉस अभी तक जो सेलिब्रिटी फेस के लिए फेमस था, अब वो हम जैसे आम लोगों को भी मौका दे रहा है. तो मैं कोशिश करूँगा कि बिग बॉस में आऊँ और आखिरकार फर्स्ट पोजीशन हासिल करूँ. मैं थक गया यार फर्स्ट रनर अप से. थैंक यू.